हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया लिटिल मून क्ले के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ग्लॉसी प्लस वार्निश के बारे में, जो कि एक मल्टी सरफेस, क्विक ड्राई और नॉन येलोइंग वार्निश है। मल्टी सरफेस यानी कि आप इसे कोई भी सरफेस पे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नॉन येलोइंग यानी कि वार्निश अप्लाई के बाद जो येलो टिंट पड़ जाता है वो इस वार्निश में नहीं पड़ेगा। और क्विक ड्राई यानी कि ये वार्निश फर्स्ट कोट अप्लाई होने के बाद 30 मिनट्स के अंदर ही बहुत अच्छे से सूख जाता है। ग्लॉसी प्लस 50 ml की क्वांटिटी में आएगा, तो मैंने कोशिश की है 50 ml की ज़्यादा ही देने के लिए आपको, और बॉटल की वेट कुछ है उसको छोड़ के 50 ml के कुछ ज़्यादा ही आपको मिलेगा। इन सारी प्रोजेक्ट्स में जो ग्लॉस इफेक्ट दे रहा है उनमें मैंने 3 कोट्स ग्लॉसी प्लस का अप्लाई किया है, तो आप लोगों को भी 2 to 3 कोट्स अप्लाई करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आप लोग ग्लॉसी प्लस और लिटिल मून दोनों ही मेरे फेसबुक पेज मोस्ट हैंडीक्राफ्ट से परचेस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी हुई है, काइंडली आप लोग उसे चेक कर लीजिए। तो बहुत हो गई बातें, चलिए वार्निश अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ आई पिन या फिर पिन ले लेनी होगी। वार्निश अप्लाई करने के बाद हमें हमारे प्रोडक्ट्स को हैंग करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह से रस्सी की मदद लेनी होगी। उसके बाद जिन जिन प्रोडक्ट्स में हम होल कर सकते हैं हमें उसे होल करके पिन या फिर आई पिन को सेट कर लेना, और जिनमें हम होल नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को हमें कुछ इस तरह से हैंग करना होगा। फिर हमें एक ब्रश ले लेनी होगी और हमारी जो सरफेस है उसको प्लास्टिक या फिर न्यूज़पेपर की मदद से कवर कर लेना होगा। और वार्निश करते वक्त ये ध्यान में ज़रूर रखना कि कोई भी जगह खाली ना रह जाए, पूरी जगह में वार्निश अप्लाई होना चाहिए। जब भी आप वार्निश अप्लाई करो बहुत ही हल्के हाथों से आपको वार्निश अप्लाई करना है, मतलब ब्रश को बहुत ही हल्के से चलाना है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो मेरी लिटिल मून क्ले के ऊपर जो भी चीज़ मैंने बनाई थी उन सभी में हो गई वार्निश, इसे अब हमें मिनिमम 1 आवर के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। और उसके बाद ऐसे ही हमें और 2 कोट अप्लाई करना है वार्निश का, तो ही हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से शाइन करेगा। बहुत दिनों पहले मैं वेस्ट बॉटल के ऊपर क्ले गणेश जी को बनाई थी, तो उसे भी हम ग्लॉसी पेस्ट से कवर करके देखते हैं। आप लोग अगर गणेश जी के ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब भी आप वार्निश अप्लाई करो बहुत ही हल्के हाथों से आपको वार्निश अप्लाई करना है, मतलब ब्रश को बहुत ही हल्के से चलाना है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और ये है एक कृष्ण जी के ऊपर वॉल हैंगिंग जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसके कलर्स ड्राई हो चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर भी आपको वार्निश अप्लाई करके दिखा रही हूँ। वार्निश अप्लाई करते करते अगर आपके प्रोजेक्ट्स में थोड़ी थोड़ी बबल्स पड़ना शुरू हो जाए तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अपनी ब्रश को अच्छे से पोंछ लेना है, उसके बाद फिर से वार्निश में डैप करके अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जब भी ग्लॉसी प्लस को कोई भी सरफेस पे अप्लाई करोगे, क्ले या फिर पेंटिंग, तो सबसे पहला आपका काम है अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से सनराइड कर लेना, यानी कि सूरज की धूप में बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना, उसके बाद ही आप लोग ग्लॉसी प्लस को अप्लाई कीजिए। आपके अगर प्रोजेक्ट अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो ग्लॉसी प्लस अप्लाई करने के वक्त जो ब्रश के साथ आपकी कलर बीड होना शुरू हो जाएगा।
इस वीडियो में मैंने आपको क्ले प्रोजेक्ट्स के ऊपर वार्निश अप्लाई करके दिखाई है। अगले वीडियो में मैं आपको पेंटिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर वार्निश अप्लाई करने दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने वन कोट सिर्फ अप्लाई किया है वार्निश का, तो आप डिफरेंस देख ही सकते हो। ऐसे आपको टोटल 2 to 3 coats अप्लाई करने हैं वार्निश का, ताकि आपके प्रोडक्ट की लास्टिंग क्वालिटी बहुत दिनों तक अच्छे रहे। आप लोग ग्लॉसी प्लस और लिटिल मून दोनों ही मेरे फेसबुक पेज मोस्ट ने हैंडीक्राफ्ट से परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी हुई है, काइंडली आप लोग उसे चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।